हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर मोहित सूरी सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। मोहित सूरी ने 2005 में आई मूवी जहर से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी और समीता शेट्टी शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ 34 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड़ 72 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल मोहित सूरी की मूवी आई कलयुग। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, कुणाल खेमू और अमृता सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ 21 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड़ 6 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमीट रही। 2006 में मोहित सूरी की मूवी आई वो लम्बे। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहिनी आहूजा और कंगना रनावत शामिल थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 6 करोड़ 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ 56 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2007 में मोहित सूरी की मूवी आई आवारापन। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, सरयान सारा और आशुतोष राणा शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ 76 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12 करोड़ 18 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2009 में मोहित सूरी की मूवी आई द राज मिस्ट्री कंटिन्यू। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, कंगना रनावत, अध्ययन सुमन और जैकी श्रॉफ शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रहा। भारत में कमाई 25 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 35 करोड़ 60 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2010 में मोहित सूरी की मूवी आई क्रॉक। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, नेहा शर्मा और अर्जुन बाजवा शामिल थे। इस मूवी का बजट 23 करोड़ रहा। भारत में कमाई 12 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2011 में मोहित सूरी की मूवी आई मर्डर 2। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, जैकलिन फर्नांडिस और संदीप शामिल थे। इस मूवी का बजट 13 करोड़ रहा। भारत में कमाई 47 करोड़ 90 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 70 करोड़ 20 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2013 में मोहित सूरी की मूवी आई आशिकी 2। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रहा। भारत में कमाई 78 करोड़ 42 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 109 करोड़ 38 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2014 में मोहित सूरी की मूवी आई 1 बिलियन। इस मूवी के लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रहा। भारत में कमाई 105 करोड़ 62 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 169 करोड़ 62 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2015 में मोहित सूरी की मूवी आई हमारी अधूरी कहानी। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजकुमार राव शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रहा। भारत में कमाई 34 करोड़ 43 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 51 करोड़ 87 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2017 में मोहित सूरी की मूवी आई हाफ गर्लफ्रेंड। इस मूवी के लीड कास्ट में अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 58 करोड़ रहा। भारत में कमाई 60 करोड़ 30 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 97 करोड़ 73 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 2020 में मोहित सूरी की मूवी आई मलंग। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी और कुणाल खेमू शामिल थे। इस मूवी का बजट 64 करोड़ रहा। भारत में कमाई 58 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 83 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 2022 में मोहित सूरी की मूवी आई 1 बिलियन रिटर्न। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 करोड़ रहा। भारत में कमाई 42 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 68 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2023 में मोहित सूरी की आने वाली मूवी मलंग 2 मूवी है। इस मूवी के लीड कास्ट में अर्जुन कपूर और दिशा पटानी शामिल हैं। दोस्तों, आपको मोहित सूरी सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।